कस्बे के सामान्य अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास तीन पेड़ करीब चार दिनों से टूटे हुए हैं, जिनकी वजह से ओवरब्रिज से आने वाले लोगों, बावल शहर में आने वाले लोगों और सामान्य अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। इस समस्या की जानकारी स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका के पार्षदों के अलावा वन विभाग तक भी पहुंचाई गई, मगर समस्या हल नहीं हुई। ऐसी स्थिति में अब आम लोगों ने अपने स्तर पर इस समस्या को हल करने का प्रयास शुरू कर दिया। आज सुबह ही यह काम शुरू हो गया। फिलहाल इन टूटे हुए पेड़ों की कटाई की जा रही है। लोगों ने यह उम्मीद जताई है कि अब जल्द इस समस्या से स्थानीय लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। वैसे अपना परिचय? मैं व्यापारी, लोहे का दुकान मेरी सामने, और पुल पर ये पेड़ पड़ा है, चार दिन हो गए, कोई सुध-बुध नहीं है। इस पेड़ की वजह से हादसे होने की उम्मीद है, और पता नहीं कब क्या हादसे हो जाए। लोग बहुत परेशान, आने जाने के बिल दोनों रास्ते ब्लॉक पड़े हैं जी। अस्पताल में जाते हैं तो कहते हैं ये उसका काम है, कमेटी काम है, कमेटी में जाते हैं कहते वन विभाग का काम, वन विभाग में जाते हैं अस्पताल का काम है, इन्हीं विभाग के बीच में उछड़ के पड़ गए। पेड़ ना तो हट रहा है, पब्लिक परेशान है, और आए दिन यहाँ पे हादसे होने की उम्मीद रहती है। ये उम्मीद की हम तो आपसे कई दरखास्त करिए, पर मीडिया के सामने हम सारे हम तो ये हो जाए, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। सारा हवा से अब ये हटाने का नाम तो लो कहीं से, तो कोई तो हटाने का नाम ले इसको। वैसे अपना परिचय? मेरा नाम महेंद्र कुमार है, मैं इसी मोहल्ले से हूँ, वार्ड नंबर 13 से। क्या कारण हुआ भाई साहब जो आज आप रोड पे खड़े हैं? आज ये क्या चार दिन के करीब हो गए, ये पेड़ टूटा हुआ पड़ा हुआ है, और इसके अंदर क्या है कि रात के समय तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट के आसार दिख रहे हैं, किसी भी तरह का कोई वो नहीं दिख रहा है। इसके फ्लाईओवर पे लाइट भी लगी है, फ्लाईओवर पे जो लाइट लगी हुई है वो आधी लाइट जुड़ती है, आधी लाइट जुड़ती नहीं है। दूसरा जो अंडरग्राउंड आपका जो बना हुआ, अंडरपास का जो बना हुआ, उसमें लाइट की व्यवस्था ही नहीं है। रात के समय अगर बहन बेटी कोई भी जाती है तो उनको क्या है कि बहुत ज्यादा खतरा रहता है इस चीज का। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से यही उम्मीद है कि क्या नाम से इन चीज की व्यवस्था की जाए, और इसी के लिए हमने क्या है कि उनको चेयरमैन भी बनाया था। इस बारे में तो अभी देखो वार्ड नंबर 13 पे वो पहुंचे भी नहीं है, अभी शिविर है हमारे पूरे के पूरे इसी की तरह बंद पड़े हुए हैं, और जो नल का है, नल उसने पाइप दबा रखे हैं, लेकिन नल पाइप की व्यवस्था कहीं भी नहीं है यहाँ पे। वैसे अपना परिचय? मैं संजू जांगी, वार्ड नंबर 13। वैसे आपने ये आरी लेके पेड़ काट रहे हैं, ये तो सरकारी पेड़ है, तो चार दिन हो गए इस पेड़ को गिरे हुए। अस्पताल वाला कहते हैं कि नगर पालिका का है, वन विभाग क्या कहते हैं कि किसी का है, तो जनता को तो परेशानी हो रही है। जनता की परेशानी देखते हुए हमने ये फैसला किया भाई अपने आप ही पेड़ काट दें, कम से कम कोई एक्सीडेंट तो ना हो जाए, इसमें जनता के नुकसान है, पेड़ हटा देंगे कम से कम व्हीकल तो निकल जाएंगे। तो सरकार से क्या अपील करेंगे आप इस बारे में? सरकार अपना ध्यान दे, टाइम पे काम करे, जनता परेशान ना हो, उसमें रात को अंधेरा रहता है। प्रशासन से ये अपील है कम से कम उसमें लाइट की व्यवस्था कराए, जो राहगीरों को निकलने बढ़ने में आसानी हो, बहन बेटियों को दिक्कत ना आए, ये हादसा ना हो। हादसे के बाद ही प्रशासन जागता है, उससे पहले कुछ नहीं जागता, सीधी सी बात ही है।